हेडलाइंस रुपए जो को रौनक है तुमसे टाइम एमजे ज्वेलर्स सिंस 1936 बंगोपसागर में बढ़ला बात्या संभावना 24-25 भितर ओडिशा उपकूल छुईवा नहीं आईएमडी साइक्लो जेनेसिस मैप्रे संकेत आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहिले 21 पर स्पष्ट हेबो चित्र किंतु 23 रु लागि रहिबो वर्षा पवन मत्स्यजीवी को करा जाय अलर्ट प्रकाश पाइला 2022 ओएस परीक्षा फल श्वेताश्री महापात्र टप्पर प्रिंकिल परवीन परिडा द्वितीय तृतीय दीप्ति रंजन पति टप 10 पांच छात्री 258 महिला समेत मोट 683 जन कृतकार्य ओडिशा रे हेबो 5 लाख कोटी रो अधिक निवेश मुंबई समिट परे मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ सूचना कहिले राज्य रे शिल्प प्रतिष्ठा पाई बढ़ुची आग्रह 20 अधिक बड़ शिल्पपति सहित होई वन टू वन आलोचना रोड शो में 200 अधिक पूंजीपति देखाई आग्रह झारखंड निर्वाचन में ओडिशा फर्मुला अपणाइब बीजेपी सुभद्रा भली शुभारंभ कर गोगो दीदी योजना महिला मासिक 2100 टंका सुभद्रा सफलतार प्रचार करा नेता काउंटर अफर आणला कांग्रेस मेंट बीजेपी रे विलीन होइजिबो बीजेडी मंत्री रवि नायकंकर बयान पर हलचल समय को अपेक्षा कर कही काउंटर कले शारदा सेपटे नृसिंह पद्मनाभ कहले निर्वाचन पराजयर कारण नवीन काल को परोक्ष इशारा बाहर जिलार शिक्षक पाठ पढ़ा पिला अमंग क्लास रे सार बसिथिले मध्ये आसुनाहांती छात्र छात्री नवरंगपुर देखा मिलला अभावनीय दृश्य मिलित क्रियानुष्ठान कमिटर जिला भित्तिक शिक्षक निजुक्ति आंदोलन प्रभाव संभाव्य बात्या को नहीं चारिआड़े चर्चा चलता बेले आज उत्तर आंडामान सागर में घूर्णिवल सृष्टि होई उत्तर आंडामान सागर में वर्तमान यह अधिक घनीभूत होगापी पाग बेस अनुकूल रही घूर्णिवल धीरे धीरे घनीभूत हो 21 तारीख बेलू लघुचापर रूप ने पाग अनुकूल थी प्रक्रिया आहरी त्वरान्वित हो सेपटे भारतीय पाणिपाग विभाग एक साइक्लोजेनेसिस मैप जारी करी जेउथिरे बात्यार संभावना जथेष्ट अधिक रही तेणु प्रथम थर पर भारतीय पाणिपाग विभाग बात्यार संभावना नहीं संकेत सबुठ बड़ कथा मैप्रे बात्या ओडिशा उपकूल छुई पारे पूर्वानुमान 24-25 तारीख मध्य यह लैंडफल करें आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र 21 तारीख में स्पष्ट हो चित्र तेज 21 पूर्व समुद्र सबु मत्स्यजीवी उपकूल को फेरी आसवा दरकार से कहते कारण यह समय समुद्र में एक बड़धरणर हलचल आरंभ हो भारतीय पाणिपाग विभाग इनसार्ट सैटेलाइट इमेज बात्या पूर्व एक बड़ संकेत दे उत्तर आंडामान सागर उपर बहु परिमाण में बादल संगठित होमेज्रु स्पष्ट जमापड़ उत्तर आंडामान सागर में पाग अनुकूल थी पूर्वानुमान दिनक पूर्व घूर्णिबल सृष्टि घूर्णिबल को संगठित बादल खंड अधिक शक्तिशाली करिवारे सहायक हो बादल खंडगुड़िक वायुमंडल उपरी भाग में प्राय 6 किलोमीटर पर्यंत व्यापी यार प्रभाव में आसंता 21 रे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर संलग्न उत्तर आंडामान सगर में लघुचाप सृष्टि यह क्रमश उत्तर पश्चिम दिगक गति कर 23 तारीख सुधा अवपात रूप ने 45 to 55 और ओडिशा तट के आसपास एरिया है वहाँ भी विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा 23 तारीख से और 24 तारीख और 25 तारीख में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 65 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड होने का संभावना है। इसका गतिपथ और सबसे ज्यादा तीव्रता क्या रहेगा इसका पूर्वानुमान 21 तारीख को किया जाएगा जब लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होगा।
आईएमडी द्वारा जारी कर साइक्लोजेनेसिस मैप उपरे नजर पकांतु। ए ग्राफिकल मॉडल अनुजाई बात्यार संभावना जथेष्ट अधिक रही। बात्या संभावना 68 रु 100 प्रतिशत बोली कहा जाउछि, अर्थात घूर्णीबळ गभीर अवपात बा ताठारु अधिक घनीभूत हो सामुद्रिक झड़र रूप नेबार संभावना अधिक। सबठारु बड़ कथा हेउछि एहा ओडिसा उपकूल दे अतिक्रम करिवार संभावना जथेष्ट अधिक थिबा एही मॉडल कहुछि। 24 रु 25 तारीख मध्यरे एहा ओडिसा उपकूल छुइबार संभावना रहिछि। किबा आईएमडी रो जो ग्राफिकल मॉडल कथा कुआ जाउची, ग्राफिकल मॉडल जेते बळे आसीते ता उपर नजर पकाई नेबा जे साइक्लोजेनेसिस कथा कुआ जाउची। ता पूर्वरु मु कहि रखे साइक्लोजेनेसिस कथा आबे कहा को कहिबा जे गोटे घूर्णी बळ सृष्टि हेबा थारु बात्या संभावना पर्यंत जो प्रोसेसिंग रहिथाय प्रोसेस रहिथाय आमे संपूर्ण भाबे कहिबा लघुचाप सुदृश लघुचाप अवपात एवं गभीर अवपात सेही जो संभावना को आमे जदि कहिबा संपूर्ण भाबरे साइक्लोजेनेसिस बोली कुआ जाय एवं अधिक प्रोबेबिलिटी बा अधिक चांस हाई चांस नजर पकांतु यूरोपियन मॉडल ECMWF उपरे। एही मॉडल अनुसारे घूर्णी बलय उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी बात्या किंबा भीषण बात्यार रूप नहीं पारे। एहा परे एही सिस्टम 24 तारीख रे ओडिसा रो गोपालपुर ठारु पुरी मध्यरे उपकूल अतिक्रम करी पारे। एबे नजर पकांतु कौन कहुछि अमेरिकीय संस्था ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम GFS रो एही मॉडल। ए मॉडल आकलन अनुसार घूर्णी बल उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी भीषण बात्या बा अति भीषण बात्यार रूप नहीं पारे। परे एहा 24 तारीख रे पश्चिमबंग निकटरे उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। अवश्य ए मॉडल गुडीकर आकलन जे संपूर्ण ठीक हेबो ताहा कहि हेबो नाही। आजि गोटे घूर्णी बल केन्द्रीय अंडमान सागर रे सृष्टि होईछि आउ ता सेटा एक्सटेंड करूची 5.8 किलोमीटर एबव मीन सी लेवल आउ यहार इन्फ्लुएंस रे गोटे लघुचाप बनिवार संभावना रही डिप्रेशन रे अवपात रे परिणत होबार संभावना रही 23 तारीख सुधा। पाणिपाग विशेषज्ञ शरद चंद्र साहु कहिसेंती जे एबे सुधा बात्या पई समुद्र रे परिवेश संपूर्ण अनुकूल रही। अक्टोबर रे सृष्टि होतिबा एभली सिस्टम सबुबेले ओडिशा को भल वर्षा आनी थाए। एही सिस्टम मध्य भल वर्षा कराइबो बात्या संभावना जथेष्ट अधिक रहिथिबा बेले केउ उपकूल अतिक्रम करिबो ताहा दिने दुई दिन परे स्पष्ट हेबो बोली से कहछन्ति। तेबे यहार प्रभाव रे 23 रु राज्य रे वर्षा आरंभ होइजिबो। बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी और गंजाम रे प्रबल वर्षा नै अलर्ट जारी करिछि पाणिपाग विभाग। यहाँ पर 24 और 25 तारीख रे वर्षार परिमाण आहुरी बढ़िजो बोली आकलन करा जाइछि। भुवनेश्वर कैमरामैन संजय साहूंक सह निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया। प्रकाश पाइला 2022 रो ओएएस परीक्षा फल। श्वेताश्री महापात्र होइछंती टॉपर। ओडिशा लोकसेवा आयोग द्वारा परिचालित ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा रे एथर 683 जन कृतकार्य होइछंती। टॉप 10 भितरे 5 जन पुरुष अछंती। राज्यर शीर्ष स्तरर एहि परीक्षा रे श्वेताश्री महापात्र प्रथम स्थान अधिकार करिछंती। श्वेताश्री महापात्र प्रथम उद्यम रे ए बड़ सफलता हासिल करिछंती। से पश्चिमबंगर दुर्गापुर स्थित एनआईटी रु इलेक्ट्रोनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन विषय रे बीटेक अध्ययन करिछंती। चाकरी छाड़ी ओएएस पाई प्रस्तुति करिबा सहित सफलता हासिल करिछंती श्वेताश्री। दृढ़ मनोबल और कठिन परिश्रम सफलता आनी दिए बोली से प्रमाणित करिछंती। सेपरि तालिकार द्वितीय स्थान रे प्रिंकिल परवीन परिडा थिबा बेले तृतीय स्थान रे दीप्ति रंजन पति अछंती। चतुर्थ और पंचम स्थान रे प्रज्ञा पारंगम और आजाद कुमार साहू अछंती। दीपम राउत देवव्रत गौड़ षष्ठ और सप्तम स्थान बेले आदित्य दिवंगर षडंगी अष्टम स्थान रे अधिकार करछंती। नवम रे कपिल कुमार महांती बेले दशम रे अमृता साहू स्थान पाइछंती। ए दस जन प्रार्थी मधुर 4 जन सामाजिक और आर्थिक पछुआ वर्गर अछंती। तेबे माने समस्ते अणसंरक्षित वर्ग रे चयन होछंती। ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2022 पई मुख्य लिखित परीक्षा गत फेब्रुआरी 25 26 28 मार्च 1 और 3 तारीख रे होइथिला। मुख्य परीक्षा रे कृतकार्य परीक्षार्थी साक्षात्कार गत सेप्टेम्बर 10 रु अक्टोबर 7 तारीख पर्यंत जारी रहिथिला। वेदांत आदित्य बिरला रिलायंस जिंदल भली कंपनी ओडिशा रे अधिक पूंजी खटाइबे।
ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ବସାଇବେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରାୟ 200 ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେବ ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ସମିଟ୍ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, କେମିକାଲ୍, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ହୋଇଛି ସେମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପସିବିଲିଟି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆସିବ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଏହି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ, କାରଣ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ବେଦାନ୍ତ, ବିର୍ଲା ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଇଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଜନ ଜିନ୍ଦଲ, ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଭଳି 20 ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ 200 ଅଧିକ ନିବେଶକଙ୍କୁ ନେଇ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବସାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ଭିତରେ ବିପୁଳ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରାପଦ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ସମିଟ୍ ୱିଲ୍ ବିଂ ଟୁଗେଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡର୍ସ, ପଲିସି ମେକର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଟର୍ସ, ଇନୋଭେଟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆନ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ନ୍ୟୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ସପୋର୍ଟ। So which just emphasizes the importance and the priority the government is placing on skills. We feel there is a commonality of interest, a compatibility of incentives. The government has promised growth to the people. The people are looking for jobs, and I'm sure when you make your investment, you are looking for your return, but at the same time also growth. So there is a commonality of incentives for all of us, and the promise we put forth before you is that we would work like a team, the commitments we make, and ensure that when you come in, you will not regret your decisions, and perhaps it leads you to expand more and more in the state of Odisha. ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ କରିବ। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ନିବେଶ ହେବ। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପନୀତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଭଲ, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶିଳ୍ପନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ନିବେଶକମାନେ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2025ରେ ଆମର ଯେତିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶକମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା କି ପଲିସି ଯୋ ମାନେ ଅଭି ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖା ହୁଆ ହେ ଉସ ହିସାବ ସେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଆଗ୍ରେସିଭ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ସ ପଲିସିଜ। I am from Baroda, from FS Green Energies, and we are really attracted with these policies, and we are looking for some investments in Odisha to the tune of around 1,500 crores kind of thing. 100% we are going to invest. We are into IT and management, so we are trying to announce through the ministers 1 lakh internships in the state of Odisha, and we are going to have our offices in Odisha.
2025 जनवरी रे दुई दिन धरी ओडिशा रे मेक इन ओडिशा कार्यक्रम आयोजन हेबो। एहा पूर्व राज्य सरकारक पक्षरु विभिन्न स्थान रे निवेशकंकु आकृष्ट करबा पई रोड शो व सम्मेलनी करा जिवो। दिल्ली परे मुंबई समिट ए दिगरे सफल होईछि। मुंबईरु कैमरामैन गणेश कालेंको सहित सत्यजित सेनापति न्यूज 18 ओडिया। बीजेपी फोकस रे झारखंड निर्वाचन रे बाजी मारे को ओडिशा फॉर्मूला अपनाइबा को जाउछि बीजेपी। निर्वाचन रे महिला वोटर निर्णायक भूमिका नै पारंती। खास सेथि पई ओडिशा रे सुभद्रा योजना भली झारखंड रे गोगो दीदी योजना आरंभ करबा को प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। जेउथिरे 18 वर्षर ऊर्ध्व महिलांक अकाउंट को सीधा सळख जीव मासोकु 2100 टंका। ओडिशा रे योजना किभली महिलांक स्वावलंबी करूछि ताकु नै झारखंड रे प्रचार करिवे ओडिशा रो बीजेपी नेता। सेपटे कांग्रेस मध्य एहाकु नै आनिछि काउंटर ऑफर। बीजेपी रो सुभद्रा योजना रो नारा और सरकार को आसीबा परे एहाकु लागू करिवा नै जो पदक्षेप नैथिला भारतीय जनता पार्टी एहा एबे निर्वाचन जितिबार मॉडल पालटी गलानी। झारखंड निर्वाचन रे एहाकु भारतीय जनता पार्टी प्रमुख अस्त्र करिया पई योजना करछि। निश्चित भावरे प्रचार करा जीवो, लोक माने जानिबा दरकार जे डबल इंजन सरकार रो सुफल कौन हुए। एटा बहुत महत्वपूर्ण अछि, बेनिफिट्स जानिबा दरकार, लोक जानिबा दरकार जे डबल इंजन सरकार अर्थ कौन और डबल इंजन सरकार हेले फायदा कौन हबो, लाभ कौन हबो। झारखंड रे बीजेपी सुभद्रा भड़ी एक नुआ योजना रो प्रतिश्रुति देछि, से होछि गोगो दीदी योजना। एहि योजना रे 18 वर्षर ऊर्ध सबु महिलांकु मासिक 2100 टंका मिलिबो। सरकार गठन परे तुरंत एहि योजना को लागू करा जियो बोली प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। मुंडारी भाषा रे गोगो दीदी रो अर्थ होछि माओ भौणी, अर्थात बीजेपी फोकस रे झारखंड रो महिला वोट। प्राय 1,30,00,000 महिला वोटर झारखंड विधानसभा निर्वाचन रे सबुठ निर्णायक भूमिका नेबे। झारखंड रे झारखंड जनसाधारण भारतीय जनता पार्टी सरकार को बाछबे और डबल इंजन सरकार हो। आमर प्रिय माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इलेक्शन प्रचार जाइले, हायर सेकेंडरी मिनिस्टर मध्य इलेक्शन प्रचार जाइले, अनेक कार्यकर्ता से विधानसभा वाइज दायित्व अच्छा आहरी भी कार्यकर्ता जीवे एवं अन्यान्य केंद्र राज्यर मंत्री माने मध्य सिठी जीवे आउ निश्चित रे तार प्रभाव एथर पुणी झारखंड देखेबो आउ झारखंडर विकास। गोटिए पटे बीजेपी महिला भोटरंकु नै जोरदार बैटिंग करथवा बेले सेपटे हेमंत सोरेन सरकार आउ पादे आगकु जाई 18 वर्षर ऊर्ध महिलांकु मासकु 2500 टंका देबे बोली घोषणा करछंती। एपरिकि गत सोमवार कैबिनेट बैठक रे एही प्रस्ताव पारित होईछि। जेमिति 2024 निर्वाचन रे तत्कालीन बीजेडी सरकार महिला वोट को आखि आगर रखी मिशन शक्ति को जोर दउथला आउ ताकु काउंटर करिया पई बीजेपी करथिला स्वतंत्र रणनीति आउ महिलांकु 50,000 टंका देवानै घोषणा करथिला। तापरे परिवर्तन होईथिला बड़ धरणर राजनैतिक स्थिति। वर्तमान झारखंड रे जेएमएम और बीजेपी मध्य रे महिला भोटर को नहीं बड़ लड़ई चली। तेरे झारखंड बैटल रे किए बाजी मारिब एवं ताऊपर समस्त नजर। भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन सुश्री सुलोचना दुष्मंत बेहरा न्यूज 18 ओडिया। हेडलाइंस रो प्रायोजक मजबूती का वादा मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। हेडलाइंस रो प्रायोजक मजबूती का वादा मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स।
संभाव्य बात्या को नहीं बड़ खबर जारी है। आईएमडी पक्ष साइक्लोजेनशिप मैप साइक्लोजेनशिप मैप रे बात्या हबार संभावना रही 68% अर्थात बात्या हबार जथेष संभावना देखा दूसरी प्रथम थर पर बात्या संभावना नहीं आईएमडी आकलन कर साइक्लोजेनशिप मैप रे बात्या ओडिशा मुहा हो पारे। केन्द्रीय आंडामान सगर में सृष्टि घूर्णिबल लघुचाप प्रभाव में 23 तारिखर वर्षार परिमाण बढ़ 23 24 और 25 राज्य में वर्षा हो 23 तारिखर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक हालुकार मध्यम धरण वर्षा होगा सहित कि स्थान में प्रबल वर्षा हो पाए। घूर्णिबल प्रभाव में आगक बढ़ वर्षार परिमाण अशांत समुद्र 24 और 25 तारिख में अनेक स्थान में वर्षा हो समुद्र अशांत रहा जो मत्स्यजीवी को 21-25 पर्यंत गभीर समुद्र को जवाई बारण कर लगातार बढ़ी चली विमान को नहीं बोमा धमक मामला एवं पुणि थे एकाथर 10 भिन्न भिन्न विमान में बोमा थिबा धमक मिली 5 इंडिगोर होता बेले आउ 5 आकाश एयरलाइंस जमापड़ जहाँफल विमान चलाचल सेक्टर में आतंक खेली जाए समस्त विमान को इमरजेंसी लैंडिंग 10 विमान को बोमा धमक मिलवा पर समस्त विमान को जरूरी अवतरण कर समस्त विमान जांच वर्तमान सुधा विमान को बोमारे उड़ाई देवा नहीं 7 धमकपूर्ण कॉल आसी सूचना मिली। इंडिगो निजर 2 विमान को नहीं बयान जारी कर मुंबई इस्तानबुल अभिमुखे उड़ान भरीवा विमान 6E717 सहित जड़ित परिस्थिति विषय आम अवगत आमर यात्री और कर्मचारी सुरक्षा आमर सर्वोच्च प्राथमिकता आम संपुक्त कर्तृपक्ष सहित मिसी काम करुँ निर्देशावली अनुसार समस्त आवश्यक सतर्कता अवलंबन करुँ से द्वितीय बयान में इंडिगो दिल्ली इस्तानबुल जा विमान 6E11 को बोमा धमक मिलता स्पष्ट कर सोमवार वर्तमान सुधा 70 अधिक विमान को बोमारे उड़ाई देवाई धमक मिल सारा शनिवार सका एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस को मध्य बोमा धमक मिलता बीजेडी पाई एक विपज्जनक स्थिति मारि आसुची गोटेपटे दल भितर किछि नेता विद्रोह करुथिबा बेले आउ किछि नेता एबे भी पराजयर कारण को हजम करि पारु नाहंती। वरिष्ठ नेता नृसिंह साहू और पद्मनाभ बेहरा निर्वाचनी पराजय पई परोक्षरे नवीन काड़ को अंगुली निर्देश करिछंती। सेपटे बीजेपी वेटरान तथा मंत्री रवि नायक कहिछंती बीजेडी रो समय सरीगलाणी एही दल बीजेपी सहित लीन होइजिवो जहाकु बीजेडी नेता शारदा नायक काउंटर करिछंती। बीजेपी टार्गेट रे बीजेडी दलर वरिष्ठ विधायक जयनारायण परे मंत्री रवि नायक देछंती सांघातिक बयान कहिछंती बीजेडी आउ बेसी दिन रहिबा नाही बीजेपी रे मिसि जीव कांग्रेस नुहे बीजेपी रे बीजेडी रो विलय घटिबो बीजेडी रु जी आसीबे बीजेपी तांकु ग्रहण करिबो। बीजेडी रो अभिज्ञ नेता अमर शतपथी को बयान एकथार इशारा दे सारिछि बोली रवि नायक कहिछंती। रवि नायक को कड़ा काउंटर करिछंती बीजेडी विधायक शारदा नायक से कहते बीजेडी भांगी जीवानी बीजेपी रो मंतव्य निजक खुशी करने समय बड़ बड़वान बीजेपी अपेक्षा करू आग को कौन हो देख निश्चित भाव दलर किसी ना लोक अनुभव कले लोक अनुभव कर भारतीय जनता पार्टी को सरकार प्रतिष्ठित कर तो आहरी अनुभव अच्छे से दल रही स्पष्ट जना पड़ू से दल आ रहा से दल भारतीय जनता पार्टी मिसिब कांग्रेस सहित तो मिसिब नहीं किंतु भारतीय जनता पार्टी सहित तो मिसिब व्यक्तिगत किए कौटी गला ताको हिसाब करवाटा ठीक नुह आज भी ओडिशा जनसाधारण विजु जनता दल तार नेता नवीन पट्टनायक सर अच्छे विजु जनता दल शक्तिशाली अच्छी आहरी आग को शक्तिशाली हम बीजेडी को नहीं राज्य राजनीति हलचल गोटेपटे बीजेपी रो जनक परे जने नेता बीजेडी को घेरुवा बेले अन्यपटे बीजेडी भीतर मध्य नेता कहिबा आरंभ कले दलर पराजय को नहीं नेता भिन्न भिन्न मंतव्य दलर स्थिति को दोहलाई बीजेडी को लगी पराजयर धक्का एबे भी नेता मन को आंदोलित करुछि अनेक नेता मुहरु बाहरी आसुछि अवशोषर भाषा पांड्यान बदल में जदि नवीन पटनायक सबु अंचल को जाई प्रचार करिथांते तेबे बीजेडी पुणी सरकार को आसी थांता बोली कहिछंती दलर वरिष्ठ नेता नृसिंह चरण साहू ता छड़ा टिकेट बंटन को नहीं अनेक स्थान रे असंतोष रेजल्ट को प्रभावित करथिबा नृसिंह स्वीकार करछंती। अन्यतम भेटरन पद्मनाभ बेहरा कहिछंती बीजेडी रो निर्वाचन इस्तेहार थारु बीजेपी रो इस्तेहार भोटरन को अधिक आकर्षित कला सुभद्रा रे 50,000
ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଏବଂ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ନବୀନ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ମତ ଯେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ସବୁ ଏରିଆ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦଳ ଏବଂ ଦଳ ସଭାପତି, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲେ ୱାର୍କର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଦଳରେ ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଗଲାଣି ବିଜେଡି, ଦଳ ଭିତରୁ ଓ ଦଳ ବାହାରୁ ଷଣ୍ଡୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲାଣି ବିଜେଡି। ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବା ଆଳରେ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଳକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ନେତା। ସେପଟେ ବିଜେପି ଶିବିରରୁ ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ହେଉଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଜେଡିକୁ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କରୁଥିବା ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ କହୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସ, ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଜୋର ଧରିଲା ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକୁଟିଆ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଯଦି ମିଳିବନି ତାହେଲେ ପିଲା କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 10ଟି ଯାକ ବ୍ଲକର 1848 ସ୍କୁଲରୁ 370 ସ୍କୁଲକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଉମରକୋଟ, ଝରିଗାଁ, କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଓ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଲା ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଅଭିଭାବକ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ ସେଠାରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦଶହରା ଛୁଟି ପରେ ଖୋଲିଥିଲା ସ୍କୁଲ, ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେପଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାଭାଷୀକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇମାନେ ବି ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଆଜି ଦୃଢ଼ ନିଦା କରିକିରି ଆଜି ଇଏ ସମର୍ଥନ କରିକି ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ରହୁଛି। ଆମର ଏଠି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ